दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मोबाइल नंबर से कितने यूट्यूब चैनल लिंक कर सकते हैं। और YouTube चैनल से मोबाइल नंबर लिंक करना क्यों जरूरी होता है? आपको अपने चैनल से और ये भी बताऊंगा अपने मोबाइल नंबर से कितने यूट्यूब चैनल लिंक करने चाहिए, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप के देखना, तभी आपको फुल वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना स्टार्ट करता हूँ एक मोबाइल नंबर से कितने यूट्यूब चैनल लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक मोबाइल नंबर से आप दो चैनल एक साल में लिंक कर पाएंगे। 365 दिन के अंदर आप दो चैनल लिंक कर पाएंगे, उसके बाद में 365 दिन के बाद में फिर से आप दो चैनल लिंक कर पाएंगे। ऐसे ऐसे करके मतलब एक साल में दो चैनल, फिर एक साल में दो चैनल, एक साल में दो चैनल, ऐसे कर करके आप मल्टीपल चैनल लिंक कर सकते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2024 में एक आपने कोई भी चैनल बनाया, उस पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिंक कर दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद में फिर एक दूसरा आपने चैनल बनाया, दूसरा चैनल आपने फरवरी में बनाया, 1 फरवरी में, तो अपना चैनल लिंक कर दिया। तो अब क्या है कि आपको अगली 1 जनवरी को आपको तीसरा मतलब तीसरा चैनल बनाया, उससे मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, यानी कि 365 दिन के अंदर दो ही चैनल लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है यूट्यूब पर, आप एक मोबाइल नंबर से सिर्फ दो चैनल एक साल में लिंक कर सकते हैं, यानी 365 दिन में। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं यूट्यूब चैनल से मोबाइल नंबर लिंक करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यूट्यूब टीम आपसे एक वेरिफिकेशन करवाती है छोटा सा, वहां पर आपको मोबाइल नंबर इसलिए देना होता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी यूट्यूब को लगेगा कि आपसे बात करनी है या कोई भी दिक्कत हो रही है या किसी कारण से, तो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाएगी यूट्यूब की टीम। और मोबाइल नंबर लिंक करने से बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ जाता है, आप लाइव स्ट्रीम अपने चैनल के ऊपर कर सकते हो। और अपने चैनल पर जो वीडियो अपलोड करोगे वो आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड कर पाओगे, और जब तक मोबाइल नंबर नहीं वेरीफाई होगा तब तक नहीं 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड होगी। और वीडियो 15 मिनट की तो अपलोड ही कर पाओगे, उससे पहले आप जब तक मोबाइल नंबर नहीं लिंक करोगे अपने चैनल से, तब तक आप थंबनेल भी नहीं लगा पाओगे। जैसे ही मोबाइल नंबर अपने चैनल से लिंक कर लोगे तो आपको थंबनेल वीडियो पे लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको अपने मोबाइल नंबर से कितने यूट्यूब चैनल लिंक करने चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है ना, काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर से एक यूट्यूब चैनल लिंक करना चाहिए, वो किस लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है ना इतनी हाई होती है, इतनी ज्यादा सिक्योर होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कई सारे मतलब एक मोबाइल नंबर से कई सारे यूट्यूब चैनल लिंक कर लिए, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आपके किसी भी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ भी स्ट्राइक वगैरह का इशू आएगा या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का इशू आएगा, तो क्या है कि आपका अगर एक चैनल डाउन करना पड़ा, यूट्यूब को डिलीट करना पड़ा, तो उसके साथ साथ ही आपके सारे चैनल डिलीट होने का खतरा रहता है, तो सारे भी चैनल डिलीट हो सकते हैं। इस तरीके से यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है ना इस तरीके से है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको एक यूट्यूब चैनल से एक ही मोबाइल नंबर लिंक करना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल घर में मोबाइल नंबर है तो वो वाले आप लिंक कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो मेरी जो भी राय थी मैंने आपको बता दिया, और अब आपको क्या लगता है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।